हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एंड ए वेरी वो वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं सो माय डियर फ्रेंड्स आज हमारी ये सेकंड क्लास है डी ट्रिपल एस बी पी के लिए आपकी एन समरी की पार्ट बी जो कि हंड्रेड मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स रहता है एन जिसको कवर करना अपने आप में एक महाभारत है तो इसी को कवर करने में मैं आपकी मदद करूंगी इसके शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको पूरा यूनिट हर एक यूनिट समझा करके बिल्कुल सिक्वेंशनल मैनर मैनर में तो चलिए फिर शुरू करेंगे आज की अपनी सेकेंड क्लास को जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इस्लामिक और ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशनल सिस्टम कैसा था हमारा है ना प्री इंडिपेंडेंस टाइम में किस तरह से एजुकेशन दी जाती थी सो so गाइज इससे पहली क्लास में हमने ये देखा था कि एनसियंट हमारी एनशियनट एजुकेशन सिस्टम कैसा था है ना शुरुआत में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था गुरु होते थे जो बच्चों को शिक्षा देते थे अपने समीप बैठा करके चलो तो फिर आगे बढ़े हैं बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन है अगर आपने कल की क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप बता पाएंगे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शिक्षा की शुरुआत कौन से संस्कार से होती थी ठीक है शिक्षा की शुरुआत कौन से संस्कार से होती थी कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर आपको पता है कल की क्लास में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर कर पाओगे चलो फिर आगे बढ़ाते अपने सेशन को आज जो हम बात करेंगे यहां से शुरुआत करेंगे कि बुद्ध काल के दौरान शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे होता था है ना कैसे बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी तो देखते हैं यहां पर उच्च शिक्षण संस्थान जो है मंदिर और मठ होते थे बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी तो उच्च शिक्षा के लिए तो मंदिर और मठ बनाए गए थे जिस प्रकार प्राचीन भारत में शिक्षा का शिक्षा के संस्थान क्या थे गुरुकुल थे उसी तरह बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी मठ में और मंदिर में ठीक है आगे बात करें कि कौन से राजा थे जिसके समय पर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े जो है शिक्षण संस्थान बनाए गए तो राजा अशोका के समय में जो है वो एस्टैब्लिश किए गए बड़े संस्थान शिक्षा के लिए अब यहाँ पर आ, शिक्षा का अगर किसी को एजुकेशन चाहिए होती थी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर था तो इस टाइम पर होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्जाम होता था प्रवेश परीक्षा होती थी उसके आधार पर जो है मंदिर या मठ में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर जो है यहाँ पर उनके छात्रों को दिया जाता था अब यहाँ पर इस वाले टॉपिक का जो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ इसका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आ, चीज रहने वाली है वो ये है कि इस समय के सबसे मुख्य मुख्य जो बड़े बड़े संस्थान थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे इनके नाम आपको पता होना चाहिए जैसे तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला वल्लभी नदिया कांची बनारस ये सभी कुछ ऐसे संस्थान थे जहाँ पर जो है बौद्ध समय पर या बौद्ध काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र इनको माना जाता था जहाँ पर विदेशों से भी जो है लोग पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे तो एक बार नाम ध्यान रख लो तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला वल्लभी और कांची बनारस ठीक है ये सभी आपको ध्यान रखना है बस बौद्ध काल में इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखने वाली है आगे बढ़ते हैं यहाँ हम बात करेंगे इस्लामिक पीरियड में यानी इस्लामी समय में या इस्लाम इस्लामिक काल में किस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो लोअर लेवल एजुकेशन थी वो कहाँ दी जाती है और हायर लेवल एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन होते थे वो क्या कहलाते हैं ठीक है थीके? चलो देख लेते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस्लामिक पीरियड की तो इस्लामिक पीरियड में जो निम्न स्तर की शिक्षा होती थी लोअर लेवल की एजुकेशन होती थी वो तो दी जाती थी कहाँ मकतब में है ना मकतब में ये कहाँ स्थित होते थे भैया किसी भी मस्जिद में आ, होते हैं मकतब, वो सॉरी मकतब और मदरसे ठीक है तो निम्न लेवल निम्न शिक्षा चाहिए अगर लोअर लोअर एजुकेशन या कह लो शुरुआती शिक्षा होती थी मकतब में और हायर एजुकेशन के लिए इन्हें जाना पड़ता था कहाँ मदरसा ठीक है हायर एजुकेशन के लिए क्या होते थे मदरसे होते थे बल्कि आज भी होते हैं मदरसा मकतब है ना तो इस तरीके से ये समय रहा किसका इस्लामिक पीरियड इस्लामिक पीरियड में इस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी और जो धर्म से संबंधित शिक्षा होती थी वो इन्हें मस्जिद में ही दी जाती थी ठीक है मॉस्क्यू मस्जिद में ही इन्हें रिलीजियस इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी अच्छा देते कौन थे यानी पढ़ाने वाले को जैसे एंसियंट टाइम में एंसियंट पीरियड में गुरु कहा जाता था तो इसी तरीके से मेडिवल पीरियड में या फिर इस्लामिक समय में शिक्षा देने वाले को कहा जाता था मुल्ला या फिर मौलवी ठीक है मुल्ला और मौलवी द्वारा ये शिक्षा दी जाती थी तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इस्लामिक पीरियड अब हम बात करेंगे कि जो आज के समय में टीचर्स है पेशेवर टीचर है या यूं कह लो प्रोफेशनल टीचर्स है वो कैसे हो गए हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि हमने हमनेट टाइम में देख लिया किस तरह के होते थे गुरु है ना क्या क्या उनकी विशेषताएं थी एक फादर फिगर होते थे मास्टर होते थे अपनी फील्ड के लेकिन आज के जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चलो देखते हैं इस टॉपिक से आपके पैडोगोजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं है ना कि क्यों कौन सा तरीका कौन कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की नहीं हो होनी चाहिए ऐसे करके आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर आया है यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आज के समय में एक टीचर में होने चाहिए पहला है ओपन एंड पॉजिटिव यानी खुले मानसिकता वाला हो सकारात्मक सोच वाला एक शिक्षक हो कम्युनिकेटिव हो लिसनर हो है ना संवेद मतलब अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला हो और साथ में गुड लिसनर भी हो ठीक है और भरोसेबद हो बच्चों बच्चे जो है उस पर भरोसा कर पाए अपनी बात शेयर करने से पहले इसके अलावा पर्सनल पर्सनेबल हो ऑर्गेनाइज हो और सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ साथ मोटिवेटेड भी होना चाहिए आज के समय में एक टीचर को ठीक है इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाएं कंपैशनेट हो और साथ ही साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यानी मूल्यों पर आधारित शिक्षा को ट्रांसफर करने में बच्चों को सिखाने में जो है अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए इसके अलावा एक टीचर का सेंसिटिव होना बेहद ज़रूरी है नॉलेजेबल भी होना ही चाहिए लेकिन उससे पहले सेंसिटिव हो क्रिएटिव हो और उसमें पेशेंस होनी ही चाहिए एक अच्छा टीचर वही होता है जिसमें पेशेंस हो और खास करके प्राथमिक स्तर पर जिस स्तर पर आप अध्यापक या अध्यापिकाएं बनने जा रहे हैं ठीक है आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ कमेंडेबल हो प्रतिबद्ध हो अपने जो बात कहे उसे पूरा करे ताकि बच्चे आगे से उस पर भरोसा भी करें तो ये सारे कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आज के समय में एक टीचर में होने ही चाहिए तो ये ध्यान रखना इससे अलग अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है जो नेगेटिव सेंस आपको दे रहा है तो वही उसका एक टीचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अब यहां पर एक लाइन है जिससे क्वेश्चन बना था कि थ्री आर से क्या डिनोट किया गया है या थ्री आर से क्या मतलब है है ना थ्री आर यहां पर आप देख पाएंगे तो इसको आप ध्यान रख लो थ्री आर की फुल फॉर्म होगी रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक ठीक है यहां पर देखो राइटिंग में डब्ल्यू साइलेंट साइलेंट रहता है क्योंकि राइटिंग बोला जाता है तो इसलिए ये भी आर से ही डिनोट किया है इन्होंने और रिथमेटिक अर्थमेटिक बोलते हैं वैसे हम लेकिन ए साइलेंट है तो ये तीनों ही क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जो आपको याद होनी चाहिए इसको नोट डाउन कर लो शॉर्ट पॉइंट्स बना करके अब यहाँ पर ये थ्री आर वाला कॉन्सेप्ट दिया ही क्यों गया है इसमें आपकी एनआईएस में देखो यहाँ कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज दी जाती थी जैसे ट्रेडिशनल टाइम पर जो आ, एजुकेशन दी जाती थी वो थ्री आर पर बेस्ड थी है ना कि रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक लेकिन आज के समय में हमें इन थ्री आर पर फोकस ना करके हमको लर्नर सेंटर यानी कि अधिगम के सॉरी अधिगम कर्ता केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए साथ ही साथ हमको क्या करना चाहिए बच्चों को एज ए फैसिलिटेटर ट्रीट करना चाहिए और वर्क बेस्ड या कंप्यूटर लिटरेसी एंड प्रोफिशेंसी टू फैसिले फैसिलिटेट लर्निंग या फिर इसको ऐसे समझ लो कि आज के समय की जितनी भी हमारी डिजिटल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमें बच्चे को जो है एक इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाना है ना कि सिर्फ इस इस ट्रेडिशनल मेथड पर टिके रहना है ठीक है तो ये थ्री आर वाली चीज़ नोट कर लो ये इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आज के समय में जो हमारी आ, एजुकेशन का क्राइटेरिया है वहाँ तक आने में हमें कौन कौन सी आ, जो हर्डल्स थी परेशानियाँ थी उनको पार करते हुए जो जो समस्याएँ थी प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे आ, समय समय पर सोल्व किया गया जिसके लिए बहुत सारी जो है आ, कमीशन बनाए गए बहुत सारी कमेटी बनाई गई जिन्होंने प्रॉब्लम्स को समझा और उनके लिए फिर सॉल्यूशन वे लेके आए तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब इस स्लाइड में कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी पूर्व स्वतंत्रता काल में जो आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति हुई वो तब से ही इस पर काम चल रहा है और आज के समय में जो हमें एजुकेशन का स्वरूप देखने को मिलता है वो कैसे डेवलप हुआ ठीक है देखो इस, आ, इस्लामिक समय में पढ़ाया गया मदरसे और मकदब में ठीक है और जब आए यहाँ पर अंग्रेज तो अंग्रेजों ने यहाँ पर पढ़ाया मिशनरीज स्कूल खोले चर्च में पढ़ाया है ना तो इस समय पर शिक्षा के संस्थान इन पर केंद्रित रहे फिर फारसी और अरबी में पढ़ाया जाने लगा है ना मदरसों में और मंदिर में जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी यानी यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो लैंग्वेज पर देना है कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो हमारा स्रोत है एक माध्यम है भाषा वो भी बदलती चली गई कि जब आए अंग्रेज तो अंग्रेजों ने पढ़ाया किसमें अंग्रेजी में है ना अंग्रेजी में पढ़ाया चर्च में और मिशनरीज खोले बहुत सारे उनमें पढ़ाया फिर जब मंदिर में शिक्षा दी जाती थी तो दी जाती थी संस्कृत में फिर मदरसे खोले गए तो मदरसे में शिक्षा दी गई फारसी और अरबी में ठीक है तो चलो अब अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं यहां से और अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों की क्या भूमिका रही है ना इन्होंने क्या क्या किया एजुकेशन की फील्ड में जो हमें ध्यान रखना है तो सबसे पहले इसी टॉपिक में हमें जानना है चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन यानी चार्टर अधिनियम अठारह इस पर हम बात करेंगे क्या था ये चार्टर एक्ट यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्वेश्चन बना था चलो एक बार अब इसको फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि उनको जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की अपना काम करवाने के लिए जो अंग्रेजी भी जानते हो लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है है ना अलग अलग क्षेत्र में कि भाई जिसकी जहां की जैसी भाषा वैसी ही शिक्षा दी जा रही है साथ ही साथ उनको ये भी लगा कि यहाँ पर एजुकेशन की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है तो उन्होंने क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी जिसमें इन्होंने एक साल में एक लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने की जो है वो बात रखी ठीक है इस एक्ट के दौरान चार्टर एक्ट के दौरान या चार्टर लॉ 1813 के दौरान इन्होंने कहा कि जो है हर साल एक लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लिटरेचर और साइंस की नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए भारत में इस पर इन्होंने जोर दिया इसके अलावा जो भी ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट था एक लाख रुपये वाला ये कौन करता था इसकी व्यवस्था उस समय पर जो क्वीन थी वो यहाँ पर व्यवस्था करती थी महारानी बर्तानिया ठीक है महारानी बर्तानिया बर्तानिया उनका नाम था तो वो इसका अरेंजमेंट करती थी फाइनेंशियल जो भी ज़रूरत होती थी तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार शिक्षा के लिए सरकारी रूप से वित्तीय व्यवस्था किसने करी थी तो 1813 चैटर एक्ट के तहत महारानी बर्तानिया के द्वारा की गई थी एक लाख रुपए की ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैंने आपको अभी बोला ठीक है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो ये था अंग्रेजों का पहला प्रयास भारत में एजुकेशन को लेकर के अब इसके बाद फिर लगातार कोई ना कोई यहाँ पर इनकी तरफ से जो है काम किया गया दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है मैकाले मिनट्स यानी 1835 में मैकाले मिनट्स आया जिसका नाम लॉर्ड मैकाले के नाम पर रखा गया ठीक है मैकाले मिनट्स किसके नाम पर लॉर्ड मैकाले के नाम पर रखा गया अब यहाँ पर आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर जिस समय मैकाले मिंट्स आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बैंटिक कौन था विलियम बैंटिक था ठीक है और जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पर चर्चा होती है वो है इसका ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य है कि इसको लाया क्यों गया था एक बार इसका ओवरव्यू समझ लो फिर हम फटाफट से फैक्चुअल बात करते हुए चलेंगे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें तो लॉर्ड मैकाले जो है मैकाले मिंट्स लेकर के आए इनका उद्देश्य था एक ऐसा ग्रुप तैयार करना एक ऐसा वर्ग बनाना जो रंग रूप से तो इंडियन हो भारतीय हो और जो उनकी विचारधारा है उनकी थिंकिंग है उनका इंटरेस्ट है वो उनका अंग्रेजों जैसा हो है ना यानी उन्हें क्या तैयार करना था अंग्रेजों जैसा दिमाग या अंग्रेजों जैसे ही सोच रखने वाले लोग तैयार करने थे ऐसा वर्ग उन्हें तैयार करना था जो उनकी जो है काम में मदद भी करेगा और उनकी तरह ही सोचेगा तो इसलिए लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिंट्स जो है 1835 में पेश किया तो चलो अब इसके बारे में फटाफट फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं मैंने आपको बताया ये रहने दो कि चार साल रहा या कितने साल रहा यह ध्यान रखो कि इस समय पर विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल था और इसको 1835 में जारी किया गया था इस मेमोरेंडम को इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है वो ये है कि इस इसमें जो है जितनी भी हमारी पहले अरबी संस्कृत है ना जो भी हमारी पहले भाषाएं चल रही थी हमारी नेटिव लैंग्वेजेस थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि इनमें अब शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि केवल और केवल अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा इस पर बात करी थी इस मैकाले मिंट्स में ठीक है कि जो भी भाषा आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो अरबी हो संस्कृत हो उसको जो है अस्वीकार किया इन्होंने और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया इसके अलावा इसमें सबसे मेन जो चीज़ है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है वो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या जिसको हम निसियन का सिद्धांत भी कहते हैं यानी जो ये वर्ग बनाना चाहते थे जो सोचता अंग्रेजों जैसा हो लेकिन दिखने में भारतीय हो है ना तो इसका क्या मतलब था इसमें वे क्या करेंगे जो हाई क्लास के लोग थे है ना सिर्फ उनको ये एजुकेशन देंगे उनको टीच करेंगे और वे हाई एजुकेशन वाले जो है फिर नीचे जो भी उनके नीचे आ, लोग होंगे वो उन्हें तैयार करते हुए चलेंगे यानी उन्होंने एक ग्रुप को जो है टीच किया और उनको तैयार कर दिया कैसे जो वो चाहते थे कि भाई ऐसे रंग रूप से तो सिर्फ भारतीय हो लेकिन अंदर से वो कैसे बन जाए एक अंग्रेज की तरह सोचे तो सिर्फ एक ग्रुप को तैयार किया और फिर वो जाकर के फिर समाज में क्या करेगा अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करेगा और इस तरीके से फिर इसको बढ़ावा देगा ठीक है इनकी इस थ्योरी को तो ये थी इनकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कि अपने नीचे वाले को वो इस तरीके से पढ़ाता हुआ चलेगा इसके अलावा एक बहुत ही फेमस था इनका मैकाले का डायलॉग है जो आपके एग्जाम में आया भी था कि कौन से ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि इस सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द वोल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया यानी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से बढ़िया है अच्छी है ये किसने कहा था मैकाले ने कहा था यानी अंग्रेजी को ये इतना बढ़िया मानता था इसने ये तक तुलना कर दी कि हमारी जो है यूरोपीय लाइब्रेरी जो है एक अलमारी ही पूरी इसके बराबर है या इससे बढ़िया है जो यहाँ पर हमारी हमारे साहित्य थे संस्कृत के अरबी भाषा के इन सबसे बढ़िया है ये मैकाले ने कहा था तो ये इनका कथन है ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग ये मैंने आपको बता दिया कि ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन उनके अंदर रुचियां उनके विचार जो है अंग्रेज व्यक्तियों वाले हो जाए तो ये था पूरा हमारा लॉर्ड मैकाले का जो है काले मिंट्स आगे बढ़ते हैं अब आगे आता है वुड डिस्पैच वो उसका टाइम पीरियड आपने ध्यान रखा 1835 ये आता है अट्ठारह में वुड डिस्पैच अठारह आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है ठीक है वुड डिस्पैच वुड uh, डिस्पैच uh, के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको जाननी है वो ये है इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको वुड डिस्पैच को ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है इस समय गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड डलहोजी थे जिस समय वुड डिस्पैच भारत में आया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था क्यों लाया गया ये है ना इसका उद्देश्य क्या था ये इसलिए लाया गया ताकि क्रिएशन ऑफ ए क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के लोक सेवकों के एक वर्ग का निर्माण करना था इनको इसलिए इसको लाया गया और इसमें कहा गया कि नहीं हम जो है जो प्राथमिक एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाओ जैसे पहले पढ़ाते थे लेकिन हाई एजुकेशन या हाइयर स्कूल में आपको अंग्रेजी भी स्थानीय भाषा के साथ साथ पढ़ानी होगी है ना जिस तरीके से मैकाले मिनट्स में अंग्रेजी पर पूर्ण रूप से जोर दिया गया इसमें ऐसा नहीं कहा इन्होंने थोड़ी छूट दी और कहा कि ठीक है प्राथमिक भाषा जो है वो प्राथमिक स्तर पर आप जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाओ और हाई स्कूल में आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ अंग्रेजी को भी शामिल करना है लेकिन 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 जब आप जाओ कॉलेज में तो फिर आपके लिए कंपलसरी है कि आपको अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाना या पढ़ना होगा जो कि आज भी आपने देखा होगा यही चीज़ फॉलो हो रही है कि कॉलेज में ज़्यादातर जो है आपको इंग्लिश इंग्लिश टू इंग्लिश ही चीज़ें देखने को मिलती है अब तो हालांकि चीज़ें चीज़े बदल रही है है ना और हाई स्कूल तक आपको जो है बाइलैंग्वेज uh, देखने को मिलता है और प्राइमरी एजुकेशन क्षेत्रीय भाषा में तो ये था शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच अब इस समय में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे सार्वजनिक शिक्षा के विभाग थे वो कौन कौन से थे वो थे बंगाल बॉम्बे मद्रास पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये पहली तीन यूनिवर्सिटी जो अठारह में खोली गई जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है कौन कौन सी है कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास ये तीन यूनिवर्सिटीज़ पहली यूनिवर्सिटी है भारत की ठीक है कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो है यहां पर अट्ठारह में खोली गई थी ध्यान रहेगा आप सभी को तो आज के तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिए है इसके बाद कल की क्लास में हम लोग हंटर कमीशन सैडनर कमीशन इन सब के बारे में जानेंगे मोटी मोटी और छोटी छोटी सी चीज़ें जितनी बस आपके लिए ज़रूरी है ना ज़्यादा न कम तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सपोर्ट करें शेयर करें ताकि आपके लिए और अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ तब तक के लिए नमस्कार